गणेशाय नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, मैं ज्योति त्रिपाठी आज पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, अब तक हमने इस ग्रंथ के 4 श्लोकों की व्याख्या की है और इन 4 श्लोकों की व्याख्या करने के पश्चात हमने यही पाया कि जीवन कैसे जीना है। आचार्य शंकर प्रत्येक श्लोक में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को स्मरण रखते हुए विवेक पूर्वक जीवन को जिए। ये जीवन खाली यूं ही नहीं मिला कि जन्म हुआ, पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, कमाया, बैंक बैलेंस, मकान संपत्ति बनाया और मर के चले गए। जीवन का सत्य क्या है, हमारा आपका सत्य क्या है, इसको जानना ही जीवन को जीना है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जान सकें कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। हमने पिछले श्लोक की व्याख्या में आपको बताया था कि ईश्वर ने हमें ये जन्म एक गिफ्ट के रूप में मिला है, एक ऐसा गिफ्ट जो कि मुझे वापस करना है, और कब प्रभु हमसे वापस लेंगे हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हर क्षण हर पल एक अलर्ट लाइफ को जीना है, जागरूक होके जीना है, ताकि जैसे ही जाने का समय आए, कभी भी आ सकता है, तो हमें जाने में पीड़ा ना हो, ये रह गया, वो नहीं कर पाए, ये क्यों किया, ऐसी भावना ना रहे, हम जाने में दुखी ना हो। जब हमें पता होता है ये चीज वापस होनी होती है, हम अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं तो हमें उस चीज को वापस करने में पीड़ा कम होती है। लेकिन जब हम अधिकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि नहीं ये मेरा है, जब मैं ममता घुस जाती है तब हमें कष्ट होता है। तो हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि कितनी खूबसूरती से इस शरीर का उपयोग करते हुए इस जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं और जब वापस करने का समय आए तो वापस कर दें। यही इस भज गोविंदम का सार है कि हम इस दुनिया में आने के बाद अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने जीवन को प्रॉपर रूप में जीते चलें। दोस्तों, आज जिस श्लोक की हम व्याख्या करने जा रहे हैं ये हर घर की कहानी है और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो इस श्लोक में 100% सत्यता दिखने वाली है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। याद्वितोपार्जन सत्ता तावन निज परिवारो रत्ता पश्चा जीवति जर जर देहे वार्तम कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दोस्तों, श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि एक व्यक्ति जब तक धन कमाने की स्थिति में होता है तब तक वो परिवार के सभी लोगों का बहुत प्रिय होता है। तो हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि मात्र धन नहीं, हम जब तक इस संसार को देने की स्थिति में होते हैं हम प्रिय होते हैं। जैसे जैसे हमारे देने का हिस्सा बढ़ता है वैसे वैसे हमको प्यार, सम्मान, केयर मिलना बढ़ती है, और जैसे जैसे हम देने में सक्षम कम होते जाते हैं ये प्यार, सम्मान, ये सब चीजें मिलना कम हो जाती है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता, मतलब सकता यानी जब तक वो समर्थ है, और रखता यानी परिवार के लोग, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब जब तक हम पत्नी को धन कमा कमा के देते हैं हम उसके बहुत प्रिय हैं, और जैसे ही हम धन से हाथ खींचते हैं वही पत्नी हमसे नाराज होती है, वही हमें गैर समझती है, हमारे सम्मान में उसके प्रति कमी हो जाती है। वही पुत्र वधु जब तक धन दे रहे हैं, जब तक परिवार के लिए कर रहे हैं, रिश्ते नातों को कर रहे हैं, वो सब हमसे प्रसन्न है, हमें उनसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर राय सलाह मेरी मानी जाएगी, मेरा ही घर में शासन चलेगा। लेकिन पश्चा जीवति जर जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। लेकिन सत्य कुछ और भी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारा ये शरीर जर्जर होगा,
पश्चा जीवति जर्जरे। बाद में हम जीर्ण होंगे, दुर्बल होंगे, असक्षम होंगे। हम जब धन कमाने की पोजीशन में नहीं होंगे तो कोई हमसे बात करना भी नहीं चाहेगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब तक आप पैसा दे रहे हैं आपको लोग पूछते हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत ऐसी घटनाओं को देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब व्यक्ति रिटायर हो गया या उसको पेंशन नहीं मिल रही है तो उसके ही घर में उसकी दुर्गति है, उसका ही घर उसके लिए पराया हो जाता है। घर के किसी बड़े राय सलाह मशवरा में उसको कोई पूछता तक नहीं, जरूरत ही नहीं समझते। छोटे छोटे बच्चे भी दादा दादी को तभी पूछते हैं जब उनको उनसे कुछ मिलता है। और दोस्तों, ये संसार व्यापार है, ये लेन और देन पर ही आधारित है। आप शरीर से किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, धन से कर सकते हैं तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा। जैसे जैसे आपका कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रति उनका अफेक्शन, उनका प्यार, उनका सम्मान आपको प्राप्त होगा। और जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन कम होगा ये चीजें भी ऑटोमेटिक घटेंगी। ये संसार लेन देन के व्यापार पर आधारित है। यहाँ कोई किसी को प्रेम नहीं करता, लोग विषयों को प्रेम करते हैं, हमको जिससे सुख प्राप्त हो रहा है। आपसे अगर हमें धन मिल रहा है तो हम आपको प्रेम करेंगे। धन आप नहीं दे पा रहे, शरीर से कुछ कर पा रहे, आप हमारे शरीर से घर के बच्चों को देख पा रहे, हमारी सब्जी ले आ रहे, हमारे घर को देख रहे, आप हमको प्रिय हैं। वरना अगर आप पैसे देने की स्थिति में नहीं है, शरीर से कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो आप मेरे लिए भार हैं। वही बूढ़े माता पिता बहु बेटे के लिए भार हो जाते हैं जो कुछ देने लायक नहीं होता। और आजकल तो बेटियों पर भी ये लागू हो गया है, थोड़ा परसेंटेज कम है, पुत्रों पर परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन लागू वहाँ भी हो गया। बेटियाँ भी चाहती हैं कि माता पिता आए तो हमें कुछ दें, हमारे किसी काम आए। और अगर कुछ नहीं काम आ सकते, बहुत धन आ रहा, मैं मेरा पति बहुत कमा रहे हैं, तो वो मेरे बच्चे को देखे, मेरे घर को देखे। और मैं देखती हूँ अपनी दोस्त मंडली में दोस्तों कि फ्रेंड्स लोग जाती हैं बेटी के बच्चों को देखने के लिए, पुत्र के बच्चों को देखने। माता पिता को लोग बुलाते ही इसलिए हैं। अगर वो सक्षम समर्थ हैं तो ठीक है, वो अपने घर रहे, हम लोग अपने घर रहे, साल में एक दो बार मिल रहे। इस संसार लेन देन पर ही आधारित है, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। तुलसीदास जी कह गए, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी है रीति। तो दोस्तों, आचार्य शंकर श्लोक के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि आपके जीवन का सत्य सिर्फ ये नहीं है कि आपने जन्म लिया, कमाई करी, परिवार को पाला, बच्चों को पाला पोसा, सेटल किया, पत्नी को धन दिया, मकान बना के दिया, बूढ़े हुए, मरे और चले गए। आपके जीवन का सत्य कुछ और भी है, क्योंकि जब तक आप देंगे तब तक तो आपको पूछा जाएगा। जब आप देने में सक्षम नहीं होंगे तो आपकी पूछ कम हो जाएगी, फिर आपको पीड़ा होगी, आपको कष्ट होगा। ये मेरा ही घर था, ये मेरी ही गृहस्थी थी, ये मेरा ही सम्मान था और मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। क्योंकि आप तो सोच के बैठे हैं जिस तरह सम्मान बीते दिनों में मिल रहा था वैसे आज भी मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। तो ये श्लोक हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य शंकर हमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम विचार पूर्वक जियोगे, एक समय तक परिवार के लिए, घर के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए करो, लेकिन इस सत्य को जानते रहो कि हमारा ये शरीर जर्जर अवस्था में पहुंचने वाला है। हम ऐसी भी स्थिति में हैं, आज हम इस हाथ से दे रहे हैं, कल हम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हमारे साथ हमारी पूंजी क्या है? वही गोविंद, उसी गोविंद का भजन। अब गोविंद का भजन का मतलब नहीं ये सब छोड़ के राम राम या कृष्ण कृष्ण करो। गोविंद का भजन हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण ऐसे करना है कि हम कल भी इतना ही अकेले होके जी सके, चल सके। हमें अपने व्यवहार में, अपने शरीर से एक आवश्यकता के तहत उतना ही देना है जितनी की परिवार की आवश्यकता है। और एक समय आने पर अपनी जिम्मेदारियों को बच्चों के बड़े होने पर उनके कंधे पर शिफ्ट कर देनी है और अपने को किसी और कार्य में लगाना है, समाज की सेवा में लगाना है, ईश्वर की भक्ति में लगाना है, तीर्थों में लगाना है, शास्त्र के अध्ययन में लगाना है। जब इस तरीके का जीवन जिएंगे तो आप यकीन करिए आपकी एक अपनी दुनिया होगी, एक अपना समाज होगा। आप उम्मीद ना लगाइए, ना कोई आपके ऊपर डिपेंड हो, ना आप किसी पर डिपेंड हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हम तो सोचते हैं हमने इतना कमा के धर दिया, हमेशा जिंदगी भर का हो गया, हमको ऐसे ही पूछा जाएगा। लेकिन लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, इसलिए
आपको हमेशा ऐसा माहौल मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इस बात को याद रखना है कि मेरा सत्य ये है, हमें अपने समय की अपनी उपयोगिता को बढ़ाना है। जब तक आप इस संसार के लिए उपयोगी हैं, चाहे शरीर से, चाहे धन से, चाहे विचार से, चाहे सेवा से, ये संसार आपको पूछेगा। उपयोगिता का बड़ा महत्व है और इस श्लोक के द्वारा आचार्य शंकर ये भी बता रहे हैं कि अपने ऊपर निर्भर रहना सीखिए, उम्मीद आस अपेक्षा मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद आस अपेक्षा तभी तक पूरी होगी जब तक आप एक हाथ से दे रहे हैं। जिस दिन वो हाथ देने में असमर्थ हुआ, आपकी उम्मीद आस अपेक्षा ये सब टूटेंगी, फिर आपको पीड़ा होगी, फिर आपको दुख होगा, फिर आपको लगेगा मेरा घर था, मेरा परिवार था, मेरे ही घर के लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है बूढ़ों से, अगर बूढ़ों के पास पैसा नहीं है तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। बूढ़ों क्या, घर का जवान बेटा भी अगर किसी लायक नहीं होता तो पत्नी ना तो उसके इज्जत करती है, ना बहन इज्जत करती है, ना माँ बाप इज्जत करते हैं। अगर बेटी भी घर में आकर के बैठ जाए, शादीशुदा हो आके बैठ जाए या कुंवारी हो और कुछ ना करे, तो उसको भी कोई पसंद नहीं करता। इसलिए शुरू से लेके अंत तक रिटायरमेंट नहीं करना है। मैंने आपको पिछले भी श्लोक में कहा था, रिटायरमेंट नहीं करना है, आपको प्रोड्यूस करना है। अपने आप का जीवन इस तरह बनाइए कि अंत तक चलते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। लोगों के काम आइए, लोगों से उम्मीद आस ना पालिए, लोगों को देने की स्थिति में रहिए, दुनिया सदैव आपको पूछेगी। चाहे नेता हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, लोग कुर्सी को पूछते हैं। मंत्री जी की कुर्सी को पूछा जाता है, ऑफिसर की कुर्सी को पूछा जाता है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये संसार का प्रेम शर्त पर आधारित है, देने की शर्त पर। जैसा देंगे वैसा प्राप्त होगा। ये संसार बिना शर्त के प्यार वाला नहीं है, आचार्य शंकर यही बता रहे हैं। इस संसार में निस्वार्थ प्यार है ही नहीं, तुलसीदास जी ने कहा ही है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो और चाहे वो ऋषि मुनि, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। स्वार्थ को आप निगेटिव मत लीजिए। स्वार्थ का मतलब एक दूसरे से आस है, एक दूसरे से पाने की चाहत है। आपकी आवश्यकता किसी दूसरे पर निर्भर है, लेन और देन पर आधारित है। और अगर आप स्मरण रखेंगे इस बात का कि इस दुनिया में जो भी कुछ हमें मिला है, रिश्ते नाते धन संपत्ति दौलत, जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारा खुद का नहीं है, ये हमें सेवा भाव से मिला है। हमें अपनी ड्यूटी करनी है और यहाँ से चले जाना है। जितने सर्टिफिकेट रिश्ते हैं और जितने नॉन सर्टिफिकेट रिश्ते हैं दोस्तों, ये सब हमारे जीवन के सहयात्री हैं। बस संबंध के रूप में हमको सर्टिफाइड रिश्ते मिल जाते हैं, और जहाँ सर्टिफिकेट नहीं होता वहाँ वो हमारे दोस्त मित्र बंधु पड़ोसी कहलाते हैं। दोनों ही हमारे जीवन के यात्री, और हमको उन रिश्तों के हिसाब से उस यात्रा में आगे बढ़ना है। ना किसी के लिए किसी से लड़ना है, ना किसी के लिए किसी गलत काम को करना है कि पुत्र के लिए अनावश्यक धन कमा के दिया, चाहे वो जैसे कमाया गलत तरीके से कमाया। पत्नी की खुश करने के लिए महल बनाना है तो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे जैसे करो, इन्हीं सब चीजों पर विचार करना है। हमारी जितनी चादर है हमें उतना पैर फैला के चलना है। अपनी आवश्यकताओं को देखना है और अपने परिवार को उस तरीके से संस्कार के साथ आगे लेकर के जाना है। यही है गोविंद का भजन, विचार पूर्वक जीना। इसीलिए भज गोविंदम को मोह मुद्गर कहा है। हम गलत फहमियां पाल लेते हैं, ये तो मेरी पत्नी है, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परिवार को भी लात मार सकता हूँ, बूढ़े माँ बाप को भी धक्का दे सकता हूँ, भाइयों को भी छोड़ सकता हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरी विरासत इसी को मिलनी चाहिए, चाहे 50 गलतियां हो जाएं। ये जो भ्रम है, इसी भ्रम पे चोट करने वाला है ये भज गोविंदम कि सत्य क्या है। आपका सत्य ये पत्नी पुत्र संपत्ति विषय नहीं, आपका सत्य ये कुछ आपका नहीं। आपको केवल उपयोग करने के लिए जीवन मिला है, और उपयोग भी सदुपयोग, सोच के विचार के। दोस्तों एक उदाहरण देती हूँ। एक बैंक का कैशियर जब अपने ऑफिस में कैश के केबिन में एंट्री करता है तो सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 8 घंटे वो अरबों खरबों संपत्ति से चारों तरफ से घिरा रहता है। वो सारा पैसा उस वक्त उसके कब्जे में रहता है, लेकिन उसके दिमाग में ये हर क्षण स्मरण रहता है कि ये जो भी रुपए आ रहे जा रहे ये मेरे नहीं, ये पैसे सरकार के, और मुझे ये पैसे उनके लिए हिसाब से लेने, हिसाब से देने। एक भी रुपए की हेरा फेरी होने पर वो बैंक एम्प्लॉई 5 बजे के बाद भी नहीं जा सकता,
जब तक उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाएगा। इसीलिए उसका वो कार्यकाल बहुत सुंदर तरीके से बीत जाता है। अगर वो लोभ कर ले कि नहीं आज तो इतना रुपया आ गया, ये मेरा हो गया, तो निश्चित रूप से कल वो रुपए लेने गिनने बैंक थोड़ी ना आएगा, वो तो जेल जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने भ्रम पाल लिया ये मेरा पैसा, जबकि पैसा उसका था नहीं। बिल्कुल अगर हम जीवन में ऐसे जीते हैं कि हम यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, हम जो भी कुछ यहाँ बटोर रहे हैं उसको हम गलत तरीके से ना बटोरें, ये सब कुछ यहीं छूट जाना है, हमारे जो ये कर्म हैं यही मेरे साथ जाने हैं। हम किसी को खुश करने के लिए किसी के साथ धोखा कर दें, हम किस कुछ प्राप्त करने के लिए किसी का मार लें, अगर हमने इस भ्रम के तहत जीवन को जिया तो निश्चित रूप से दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और तब हम दुख कहते हैं हम, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं चाहते, हम सदैव हंसती हुई परिस्थिति चाहते, जबकि कर्म हमारे दुख देने वाले थे तो दुख ही मिलेगा। इसी जागरूकता का नाम है भज गोविंदम का अध्ययन, इसी विवेक का उजागर करता है ये भज गोविंदम। हमारे शास्त्रों में एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का एक छोटा दृष्टांत आप सबके समक्ष रखती हूँ। बहुत ही विद्वान ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनके दो पत्नियां थी कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी घर गृहस्थी को संभालने वाली, रूप सज्जा में उसका रुचि थी और साधारण जैसे ग्रस्त महिलाएं आम महिलाएं होती हैं। लेकिन मैत्रेयी उनकी विद्वान पत्नी थी जिसको ज्ञान में इंटरेस्ट था, उसको ये घर गृहस्थी सजना धजना ये सब चीजों में रुचि नहीं थी, उसकी रुचि ज्ञान में थी। तो याज्ञवल्क्य ने एक बार मैत्रेयी को बुला के कहा कि मैं अपनी सारी संपदा तुम दोनों में बराबर से बांट करके बन जाना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने पूछा, ऐसा क्यों, आपके पास किस चीज की कमी है, संसार के सब सुख, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ है, आप वन क्यों जाना चाहते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि ये जो विषय भोग है, जो संपत्ति है, ये हमारा अंतिम सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल भोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए है, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है। सुख वही होता है दोस्तों जिस खुशी में शांति सम्मिलित होती है। जब सुख की सुविधाएं हो लेकिन मन में शांति ना हो तो वो सुख नहीं होता। खुशी के साथ शांति भी होनी चाहिए तब सुख है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि ये जितनी संपत्ति है ये हमें सुखी करने वाली नहीं है, और मैं जिस की खोज में जा रहा हूँ उस ज्ञान से ही असली सुख मिलेगा, वही हमारा अंतिम सुख है। मैत्री चूंकि ज्ञान में इंटरेस्ट रखती थी, उसने कहा ऐसी संपत्ति, ऐसा सब कुछ, ये जायदाद लेके मैं क्या करूँगी जो मुझे सुख नहीं दे सकता, मुझे वही सुख चाहिए जो आपको चाहिए, जो आप लेने जा रहे हैं, तो कृपया मुझे बताएं वो कौन सी विद्या है, वो कौन सा ज्ञान है जहाँ से वो सुख प्राप्त हो सकता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता इसलिए मैं जा रहा हूँ, इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है, सबसे अधिक प्रेम वो स्वयं से करता है, और स्वयं को प्रेम पाने के लिए वो दूसरे से प्रेम करता है। दो लाइनें आपके समक्ष, काफी बड़ा श्लोक है ये, लेकिन दो लाइनें आपके समक्ष बृहदारण्यक उपनिषद की रख रही हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी से कहते, ना वा अरे पत्युः कामाय पतिः पियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः पियो भवति। कोई पत्नी अपने पति को पति के लिए प्यार नहीं करती, वो अपने लिए प्यार करती है, उसको लगता है कि मुझे जो सुख मिलेगा इस पति के द्वारा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कोई पति अपनी पत्नी को इसलिए नहीं प्यार करता कि वो पत्नी को प्यार करता है, उसको लगता है उसकी काम वासना, उसकी इच्छाएं, उसकी समाज, उसका सम्मान सब उस पत्नी से मिलेगा, इसलिए वो पत्नी को प्यार करता है। इसी तरह माता अपने पुत्र को अपने सुख के लिए प्यार करती है, वो अपना भविष्य उस पुत्र के पास देखती है, पुत्री अपने पति को प्यार करती। इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, मनुष्य स्वयं को प्रेम करता है। इसलिए दोस्तों इन सारे श्लोकों का, उदाहरणों का, दृष्टांतों का कहने का अभिप्राय ये है कि हम आपको जीवन कैसे जीना है, हम आपको जीवन ये खाना पीना बढ़ना और मर के चले जाना, संपत्ति इकट्ठा करके रख जाना, इसके लिए ही नहीं है, ये करके, ये करते हुए, लेकिन अंतिम सत्य को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें अंत आखिर हमारी सारा शांति मिलती कहाँ है, हम कहाँ जाके संतुष्ट हो पाते हैं, उस सत्य को जानना है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को याद रखता है, जो मृत्यु को याद रखता है, जो जानता है कि ये शरीर नहीं रहेगा परमानेंट,
हम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये धन, ये काम, वासनाएं, मानसिक दैवी वृत्ति, इन सब से ऊपर उठ करके हमको जीना है। वही व्यक्ति सुंदर जीवन जी पाता है। जो इनको सब कुछ अपना समझता है वो सुंदर जीवन नहीं जी पाता। सुंदर जीवन जीने के लिए एक ऐसा वक्त आता है दोस्तों कि हमारा धन बल, हमारा मानसिक बल, हमारा शारीरिक बल सब क्षीण होता है। इन चीज़ों को हमें याद रखना है, और जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं तो हमें हमारा सत्य दिखता है। यहाँ तो कोई किसी का नहीं था, यहाँ तो बस कुछ देर के लिए कुछ लोग थे, कुछ समय के लिए प्यार लग रहा था, ये तो प्यार झूठा था। ये परिवार में जो इतना कुछ कमाया, जीवन भर अपने को गलत सही उचित अनुचित कुछ देखा नहीं, केवल अंधी कमाई करते गए, बच्चों के लिए, बीबी के लिए, रिश्तों के लिए, संपत्ति के लिए, नाम के लिए जो कुछ करते गए, ये सब तो कुछ आज भी मेरे साथ नहीं है, मैं इसके भोग के लायक भी नहीं बचा। एक उम्र आती है कि डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना है, एक उम्र आती है कि आपको एक कमरा ही काफी लगता है, एक उम्र आती है कि आपका कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता है, तो क्या करना उन सबको इतना इकट्ठा करके। लेकिन हम जब युवा होते हैं तब हम इन चीजों पर विचार नहीं करते, और भज गोविंदम का हर श्लोक बार बार हमको विचार करने के लिए कहता है। हम जो भी करें उसको विचार पूर्वक करें, हम जो भी कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें या आगे बढ़े उसमें उचित और अनुचित को देखें, तब हम आगे बढ़े। दोस्तों यही भज गोविंदम का मेन सार है। ये संसार क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, धीरे 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 सब कुछ बीत रहा है। हमको इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है, और इसी भावना के साथ हम जब जिएंगे कि हम परमानेंट यहाँ नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम सुंदर जीवन जिएंगे। और हमने आपको अपने पिछले श्लोक में बताया था ईशावास उपनिषद में, तेन त्यक्तेन भुंजिता, इन भोगों का उपयोग, भोग हमको त्याग पूर्वक करना है। त्याग पूर्वक करने का अभिप्राय क्या है दोस्तों? त्याग पूर्वक भोग करने का अभिप्राय ये कि मोबाइल हमें किस लिए मिला है? मोबाइल मिला है बात करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क के लिए, कुछ सत्संग सुनने के लिए, कुछ और इंटरनेट पर काम करने के लिए। लेकिन 24 घंटा मोबाइल से हम चिपके रहे हैं, मोबाइल के बिना हम रह ही ना पाए, मोबाइल नहीं है तो हम कहीं 2 घंटा ठहर नहीं सकते, ऐसी मानसिकता हमें नहीं बनानी। त्याग पूर्वक है तो ठीक है, काम तो अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे अंदर उसके प्रति तड़प नहीं होनी, यही है त्याग पूर्वक भोगना। हम जब अपनी इच्छाओं के, विषयों के, व्यक्तियों के, किसी भी चीज के अधीन होते हैं तो हम परतंत्र हो जाते हैं, हम मुक्त नहीं रहते, हम उसके अधीन हो जाते हैं। और अधीनता का जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है, बस इसी सत्य को जानना है और इसी को अपने जीवन में उतारना है। हमें किसी चीज के परवश नहीं होना है, अधीन नहीं होना है, परतंत्र में नहीं जीना है, मुक्त होके जीना है, यही जीवन मुक्ति है, इसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। और यही आचार्य शंकर ने भज गोविंदम में बार बार बताने का प्रयास किया है। आज के अंक में इतना ही, शेष फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।